वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो ये सीरीज चल रही है जिसमें हम CSIR का एग्ज़ाम जो नवंबर 2020 में हो रहा है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो 10 टू 11 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री का पार्ट पूरा ख़त्म कर दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे के सारे हमने बायोकेमिस्ट्री ख़त्म कर दिया है और स्टार्ट की हमने प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का ये वाला फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले तीन पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, जिसमें मैंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस का पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन, है ना, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, और लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन का क्या होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आपको दिखाया था, ठीक है, स्पेसिफिकली बताया था कि किस जगह पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंट सिस्टम्स की, ठीक है, और पिगमेंट सिस्टम के साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था ना, एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था फोटोसिंथेसिस का, याद होगा आपको, ठीक है। मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि क्या होता है कि सन से आपकी क्या निकलती है, लाइट एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी आती है आपकी सन से, और ये लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, है ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है किसकी हेल्प से, लाइट रिएक्शन की हेल्प से। लाइट रिएक्शन की हेल्प से आपका लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, है ना। केमिकल एनर्जी कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताई थी, वो होती है ATP और NADPH। तो ये जो होते हैं ना ATP और NADPH, ये होते हैं आपके प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन आपका क्या बनता है, ATP और NADPH। तो ये ATP और NADPH जो बनता है वो आपका एंटर करता है कहाँ पे, वो आपका एंटर करता है C3 साइकिल में, है ना, वो आपका एंटर करता है C3 साइकिल में, जिसको आप केल्विन साइकिल भी बोलते हो, ठीक है, C3 साइकिल में एंटर करता है। और फिर क्या होता है, यहाँ से आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये पूरा मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, ओवरऑल इंट्रोडक्शन, और मैंने बताया था कि फिर हम हर एक पार्ट को, हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सेकेंड पार्ट में मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे, है ना, और थर्ड पार्ट में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, रूबिस्को के बारे में डिस्कस किया था और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या बात करेंगे, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, है ना, लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पिगमेंट सिस्टम की, ठीक है, पिगमेंट सिस्टम की, है ना। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन के का प्रोडक्ट होता है ATP और NADPH। ये ATP और NADPH कैसे बनता है, आज हम ये पूरा डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। तो रेडी रहिए, है ना, ये सारा कंसेप्ट आज समझने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कहाँ से, पिगमेंट सिस्टम से, ठीक है। तो पिगमेंट सिस्टम पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको याद होगा कि लाइट रिएक्शन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, है ना, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है और कहाँ पे डार्क रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो ये आपका डायग्राम था क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, ये आपका किसका डायग्राम था, क्लोरोप्लास्ट का, ये था आपका इनर मेम्ब्रेन और ये था आपका आउटर मेम्ब्रेन, है ना, याद है आपको। और इसके अंदर आपके थे क्या, थायलाकॉइड्स थे, है ना, और स्ट्रोमा था, तो ये थे आपके थायलाकॉइड्स, ठीक है ना, ये थे आपके थायलाकॉइड्स थे, और ये एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रोमा लैमेला से। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, बस यहाँ पे मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो अंदर का जो फ्लूड है इसको बोलते हो आप स्ट्रोमा, ठीक है, इसको आप बोलते हो स्ट्रोमा, है ना, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हो एक के ऊपर एक स्टैक्स,
है ना, कॉइन के जैसे एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कॉइन का एग्जांपल देके थायलाकॉइड के बारे में समझाया था, ग्रेनम के बारे में समझाया था, है ना। तो एक इंडिविजुअल को आप बोलते हो थायलाकॉइड, और जब सारे थायलाकॉइड एक के ऊपर अरेंज हो जाते हैं तो इस पूरे को आप मिला के क्या बोलते हो, ग्रेनम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी इसलिए बताया क्योंकि हम लाइट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है वो बताने वाला हूँ। तो ये थायलाकॉइड आपको अगर याद हो तो क्या होता है, ये जो थायलाकॉइड होता है ना, थायलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है, तो जो लाइट रिएक्शन होती है ना वो आपका होता है थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। सबसे पहला पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है ना, लाइट रिएक्शन की शुरुआत, लाइट रिएक्शन का वजूद कैसे है, वो लाइट को सबसे पहले प्लांट एब्जॉर्ब करता है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो लाइट को अब्जॉर्ब कौन करता है, आप बचपन से बायोलॉजी के बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं ना, लाइट का अब्जॉर्ब कौन करता है, पिगमेंट्स करते हैं, है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, कैरेटिनॉइड्स हो गया, फाइकोबिलिन्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन पे आने से पहले एक थोड़ा सा पिगमेंट सिस्टम को समझ लेते हैं, है ना, तब जाके आपको लाइट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पिगमेंट सिस्टम से। पिगमेंट सिस्टम क्या होता है भाई, इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू प्रोटीन्स एंड फॉर्म प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड पिगमेंट सिस्टम। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, आपका होता है थायलाकॉइड के मेम, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइट। अब फोटोसिंथेसिस दो स्टेजेस में डिवाइडेड है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, मेनली दो स्टेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है आपका थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन होता है आपका यहाँ पे स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन हो रहा है आपका थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, इसका मतलब ये सारे के सारे पिगमेंट्स जो होते हैं ना, जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, वो सारे लोकेटेड कहाँ होंगे, आपके थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। नोट डाउन कर लीजिए, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में आपके सारे के सारे पिगमेंट लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम ये जानते थे कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये अधूरी बात है। पूरी बात ये है कि पिगमेंट का साथ देते हैं कुछ प्रोटीन्स, है ना, कुछ प्रोटीन्स भी पिगमेंट के साथ मौजूद होते हैं, तब जाके अच्छे से वो लाइट अब्जॉर्ब कर पाता है ना, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या है, पिगमेंट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं, तो दो चीज़ों से मिलके, पिगमेंट से मिलके और प्रोटीन से मिलके आपका बनता है पिगमेंट सिस्टम, ठीक है। पिगमेंट सिस्टम क्या काम करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करने का। तो डेफिनेशन अब आपको समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत कुछ आराम से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस ध्यान से पूरा लेक्चर अच्छे से फॉलो कीजिए, और जो जो मैं बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन देखते हैं, आपकी बार आपको क्लियर हो जाएगा। इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू प्रोटीन्स एंड फॉर्म प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज पिगमेंट सिस्टम। ये चीज़ समझ में आ गई, गुड। अब क्या होता है कि जो पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, दो चीज़ों से। अब प्रोटीन और पिगमेंट तो पता है, ठीक है, लेकिन दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो रीजन्स बोल सकते हो आप, दो रीजन्स होते हैं, ठीक है, मिलके वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है आपका पिगमेंट सिस्टम, एक तो प्रोटीन और एक आपका पिगमेंट्स, ठीक है। लेकिन उसमें जो एरिया होता है ना, वो जो एरिया है वो उस दो एरियाज होते हैं, उसमें दो रीजन्स होते हैं। वो रीजन्स कौन कौन से होते हैं, तो एक जो होता है वो होता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, और दूसरा होता है आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, आपने बचपन में हम लोगों के घर पे कौन सी टीवी होती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, सबको याद होगा अच्छे से,
है ना। तो आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालोगे तो सबके घरों में एक एंटीना टंगा होता था ऊपर, है ना, एंटीना लगा होता था, है ना। अपने भाई बहन को ऊपर छत पे चढ़ाते थे आप, है ना, और बोलते थे कि एंटीना ठीक कर, और वो वहाँ से आवाज़ मारता था कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, साफ़ आया कि नहीं आया। जब तक नहीं आता था आप उसको बोलते थे नहीं आया नहीं आया। जैसे ही एंटीना थोड़ा सा अपना पोजिशन सही करता था आपका दूरदर्शन चलने लग जाता था, है ना। तो एंटीना क्या करता था, नेटवर्क को कलेक्ट करता था और आपकी टीवी तक भेजता था। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भी होता है। तो वो जो एंटीना है ना, वो एंटीना जो है वो आपका होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, मतलब वहाँ पे वो नेटवर्क को कलेक्ट कर रहा था, ठीक है, समझते जाइए। और जो आपकी टीवी है, जहाँ तक वो नेटवर्क को कलेक्ट करके भेज रहा है, वो टीवी है आपका रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब आप फोटोसिंथेसिस पे आइए। क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो आपको पता है कि सब दिन होतना एक समान है ना, हमेशा एक दिन एक जैसा दिन तो होता नहीं। कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी बादल घिरे हुए रहते हैं, है ना, कभी बहुत तेज़ रोशनी होती है, कभी डिम लाइट होती है ना। तो प्लांट्स को प्लांट्स तक लाइट पहुंचने में दिक्कत होती है कभी कभी, कभी कभी डिम लाइट होती है, और कभी कभी आसानी से लाइट पहुंच जाती है ना। तो क्या होता है कि प्लांट्स तक, प्लांट्स के रिएक्शन सेंटर तक, है ना, प्लांट्स के रिएक्शन सेंटर तक लाइट अच्छे से पहुंचे, बिल्कुल फोकस्ड होके, उसके लिए उसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है कि डिम लाइट में भी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वहाँ तक पहुँच सके रिएक्शन सेंटर तक। वो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, देखो ध्यान से। क्या होता है कि मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, ये सन है आपका, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये है आपका रिएक्शन सेंटर, ये है आपका रिएक्शन सेंटर, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में होता है आपका मेजर जो पिगमेंट होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल ए, लिख लीजिए, क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ठीक है, इज ए मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि क्लोरोफिल ए इतना भी अच्छा नहीं होता लाइट को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, वो ज़्यादा लाइट खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी मदद करते हैं कुछ और पिगमेंट्स उसके आसपास जो रहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर के पास आसपास और भी कई सारे आपके पिगमेंट्स मौजूद रहते हैं, ठीक है, और भी कई सारे पिगमेंट्स मौजूद रहते हैं। तो जो रिएक्शन सेंटर है उसमें है आपका मेन पिगमेंट, ठीक है, मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, याद रखना, ठीक है। और मेन पिगमेंट के चारों तरफ उसकी हेल्प करने के लिए आपके मौजूद होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, लिख लीजिए, एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्पर, सहायक, सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला, ठीक है। तो ये जो आसपास होते हैं इनको आप क्या बोलोगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो लाइट यहाँ से आ रही है वो ट्रांसफ़र करना, ठीक है, किसको, रिएक्शन सेंटर को, ऐसे, मतलब सबके सब क्या करते हैं, मतलब सबके सब क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में सब चारों तरफ से रिएक्शन सेंटर पे लाइट भेजते रहते हैं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिएक्शन सेंटर पे पहुँचे। क्यों, ताकि लाइट रिएक्शन हो सके, ठीक है, ताकि ATP और NADPH बन सके, ताकि ATP NADPH बन के जो केमिकल एनर्जी जो बनी है वो C3 साइकिल में जा सके, ताकि C3 साइकिल में जाने के बाद वो ग्लूकोज बना सके, है ना, और ग्लूकोज प्लांट में स्टोर हो सके और प्लांट बढ़ सके, फल सके, फूल सके, समझ रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स कहाँ डायरेक्ट होती हैं, रिएक्शन सेंटर पे, और उसमें हेल्प कौन करता है, आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो आसपास जितने भी लोकेटेड होते हैं वो होते हैं आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स, और इन्हीं एक्सेसरी पिगमेंट्स को आप क्या बोलते हो, एंटीना कॉम्प्लेक्स। आप समझ में आया। तो ये थी आपकी टीवी और ये थे आपके एंटीना, ठीक है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, सारी डायरेक्शन से लाइट समेट कर रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं, ताकि लाइट रिएक्शन हो पाए, ताकि आपकी टीवी चल पाए। यहाँ तक समझ में आया, गुड। तो
फोटो पिगमेंट सिस्टम किससे, दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मेन, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में मेन पिगमेंट होता है जो कि होता है क्लोरोफिल ए, और जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मिक्सचर्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, है ना, उसमें कैरोटेनॉइड्स होते हैं, कुछ फाइकोबिलिन्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल भी होते हैं, क्लोरोफिल ए भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अराउंड ऐसा माना जाता है, कुछ रिसर्च हुआ है और ऐसा पता लगा है कि एक पिगमेंट सिस्टम में कुछ अराउंड 300-400 पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, टोटल मिला के क्लोरोफिल कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स मिला के इतने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये थी बात फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर की और एंटीना कॉम्प्लेक्स की, यहाँ तक आपको समझ में आई, ठीक है। बस यही वही बात मैंने यहाँ पे लाइंस में लिख रखी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स दैट इज कैरेटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि ये पिगमेंट सिस्टम का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो पिगमेंट सिस्टम क्या होता है ना, पिगमेंट सिस्टम को ही आप बोलते हो फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम, समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वही चीज़ मैंने आपको बताई है, ये है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर और आसपास है सारे क्या आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स। या अब देखो, इनको हम, ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है ना, इनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, लाइट को जमा कर रहे हैं, लाइट को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये सब क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर या एंटीना कॉम्प्लेक्स और फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनता है, पिगमेंट सिस्टम, और पिगमेंट सिस्टम को ही आप बोलते हो फोटो सिस्टम। यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छे। अब फोटो सिस्टम जो होता है वो होता है आपका दो टाइप का, मेन जो होता है फोटो सिस्टम वो होते हैं आपके दो टाइप्स के, कौन कौन से आपको पता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट को आप बोलते हो P700 और फोटो सिस्टम सेकंड को बोलते हो P680, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि P700 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो फोटो सिस्टम होता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है आपकी लाइट 700 नैनोमीटर पे, इसलिए इसको बोलते हैं P700। और P680 क्या करता है, आपकी लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर पे, इसलिए इसको बोलते हो आप P680। यहाँ तक समझ में आया, गुड, ठीक है। तो ये जो 700 नैनोमीटर का जो रेंज है वो होता है आपका फार रेड रीजन। कभी कभी ऐसे भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि डायरेक्टली सिर्फ ये बोल देंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट कौन से रीजन में करता है, फार रेड रीजन में। अगर P700 लिख के आएगा तो आपको पता ही रहेगा कि ज़्यादा रीजन रेड के ऊपर कौन सा होता है, फार रीजन, ठीक है, तो आप आराम से कर दोगे। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट कौन सी रेंज में लाइट अब्जॉर्ब करता है, तो फार रेड रीजन, और फोटो सिस्टम सेकेंड जिसको आप P680 बोलते हो वो करता है रेड रीजन में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो रेड होता है उसका थोड़ा सा कम होता है रीजन, कम में आता है, इसलिए इसको 680 बोलते हैं, और 680 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो फार रेड रीजन में आ जाएगा, इसलिए उस पर P700 करता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए दो टाइप के फोटो सिस्टम, ठीक है। तो ये जो फोटो सिस्टम होता है ये आपका दो टाइप का होता है ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। दोनों के दोनों फोटो सिस्टम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा एक जैसी लाइट नहीं आती, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आती जाती रहती है, इसलिए दो टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं ताकि रेंज ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्ब किया जा सके और लाइट रिएक्शन को चलाया जा सके, ठीक है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। अब आप थोड़ा ध्यान समझेंगे, अब थोड़े अच्छे वाले, बढ़िया वाले, मज़ेदार वाले कंसेप्ट आ रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। तो क्या होता है कि जो रिएक्शन सेंटर होता है ना, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, और इसके आसपास जो ये आपके
एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हो। इनका काम क्या होता है, अभी बताया था आपको मैंने, लाइट को इकट्ठा करना, लाइट को जमा करना और भेजना रिएक्शन सेंटर के पास। तो एक तरीके से ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है ना। वो सिर्फ ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, लाइट को ले रहे हैं, लाइट को ले रहे हैं चारों तरफ से, है ना, और किसको भेज रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को। समझ में आ रही चीज़। तो लेना और देना लाइट को, ये एक तरीके से किस टाइप का प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। तो जो यहाँ पे, जो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका किस टाइप का होता है, रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। कॉपी में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, हर बार क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो क्या पता इस बार किसी के दिमाग में ये आ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लो, क्या पता, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, फिजिकल रिएक्शन होते हैं। अब मेन रिएक्शन जो होता है आपका रिएक्शन सेंटर में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन होता है, यहाँ पे होता है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। किस टाइप का केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे किस टाइप का होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से होते हुए पहुँचती है रिएक्शन सेंटर पे, जैसे ही लाइट रिएक्शन सेंटर पे बहुत सारी इंटेंसिटी में पहुँचती है, वहाँ पे क्या होता है, मौजूद होता है आपका वाटर, और जैसे ही लाइट यहाँ पहुँचती है आपका वाटर स्प्लिट हो जाता है, H2O स्प्लिट हो जाता है, किसमें, O2 में प्लस प्रोटॉन्स में प्लस इलेक्ट्रॉन्स में। समझ में आई चीज़। जैसे ही बहुत सारी लाइट रिएक्शन सेंटर पे पहुँचती है, वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं, किसमें, ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। समझ में आ रहा है, गुड। अब पकड़ के रखना बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से फॉलो करो लेक्चर को, पकड़ के रखना बिल्कुल लेक्चर को, ठीक है, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। तो देखो, आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना, रिएक्शन की थी, क्या क्या थी रिएक्शन, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, याद करने की कोशिश करो, रिएक्शन क्या थी आपकी, रिएक्शन थी CO2 प्लस H2O से क्या मिलता था आपका, ग्लूकोज, जिसको आप C6H12O6 प्लस O2, ये था ना रिएक्शन, है ना। प्लांट क्या कर रहा था, CO2 को ले रहा था, H2O को ले रहा था, और रिलीज क्या कर रहा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम में हलवे वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, सिंपल सिंपल से जो 11th 12th के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आते हैं थोड़े डीप, थोड़े अंदर से, ठीक है, जो क्वेश्चन बनाता है वो आराम से तसल्ली से बैठ के प्रोसेस को पढ़ के बनाता है, इसीलिए जब वो प्रोसेस को पढ़ रहा है, समझ समझ के क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको भी पढ़ना ज़रूरी है अच्छे से, है ना। तो इसीलिए हम बहुत ध्यान से समझेंगे हर एक स्टेप को, कि कहाँ पे CO2 यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ पे H2O यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, और कहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और कब ग्लूकोज निकल रहा है। तो इनकी टाइमिंग्स भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा फोटोसिंथेसिस पढ़ने में, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, फोटोसिंथेसिस मेरा फेवरेट टॉपिक है, जितनी बार पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ, ठीक है, और आप भी दिल से पढ़िए, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अभी तक, आज तक हमेशा पढ़ी होगी, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, लेकिन कभी भी ध्यान से ये सोचने की कोशिश की है कि कब CO2 एक्सेप्ट करता है प्लांट, कौन से स्टेप पे H2O एक्सेप्ट करता है, कौन से स्टेप पे ग्लूकोज रिलीज़ करता है, और कौन से स्टेप पे ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं ये चीज़ आपको बताऊँगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट में सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, फिर होती है डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले अब देखो, प्लांट पहले CO2 लेता है या H2O लेता, साइमल्टेनियसली एक साथ लेता है वो अलग बात है, लेकिन यूज़ किसको कर रहा है पहले, यूज़ करता है पहले प्लांट H2O को, क्योंकि पहले कौन सी रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन, तब होती है डार्क रिएक्शन। तो CO2 जो यूटिलाइज होता है वो होता है यूटिलाइज डार्क रिएक्शन में, C3 साइकिल में, लेकिन
H2O क्या होता है, पहले ही यूटिलाइज हो जाता है, लाइट रिएक्शन में हो जाता है, है ना। तो क्या होता है कि जब बहुत सारी लाइट रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है, तो जैसे ही रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है, वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं। किस में स्प्लिट हो जाते हैं? ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। इसको बैलेंस कर ले जरा, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं करते बैलेंस, यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे दो लगा दो बैलेंस करने के लिए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, तो यहाँ पे फोर हो गए। तो आपको पता है प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं किसी भी रिएक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो अगर यहाँ पे फोर प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी फोर रिलीज होंगे, नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोर प्रोटॉन्स और फोर इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हुए, राइट, कब, जब लाइट आपकी पहुंची रिएक्शन सेंटर तक, ठीक है। ये कैसे रिलीज हुए? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। इसका मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में कुछ ऐसा है जो वाटर को स्प्लिट कर रहा है ना, वाटर को स्प्लिट कर रहा है, और उसी को बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो वाटर को स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। अभी उस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, और इतना मज़ेदार है ना वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कि आपको मज़ा आएगा बहुत पढ़ने में उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया है ना, और उस ऑक्सीजन को तो हम यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, है ना, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो प्लांट एक्सेप्ट कर लेता है, ये साइकिल चलती रहती है। चलो इस ऑक्सीजन का तो आपको समझ में आ गया कि प्लांट इसको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट अपना बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन को एनिमल्स और ह्यूमंस अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद अब चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मेन हमारा जो हीरो है वो है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपने अगर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, मैंने जो मेटाबॉलिज्म में पढ़ाया उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताया था, है ना, और बताया था कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो जब NADH और FADH2 का रिडक्शन होता है, तो वहाँ से क्या होता है, क्या होता है, वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, और वो ट्रैवल करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, और उस प्रोसेस में आपका बनता है ATP और NADPH, ठीक है। तो अगर आपने वो देख लिया है लेक्चर तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं देखा है तब भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसको जाके ज़रूर देख लेना, मेरा पूरा चार मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, पूरा देख लेना, फोर पार्ट में मेटाबॉलिज्म कवर किया है बहुत अच्छे से CSR के लिए, उसको जाके ज़रूर देखो, पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। वापस आ जाओ यहाँ पे, ये जो फोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं एक सिस्टम में जिसको बोलते हो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो करते हैं वो ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फाइनली एक मॉलिक्यूल होता है वो उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस प्रोसेस में भी आपका ATP और NADPH बनता है, जो कि आपका प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का। समझ में आ रही है चीज़? गुड। तो हम ATP और NADPH कैसे बनते हैं, वहाँ तक भी पहुँचेंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, तो मैंने आपको बताया कि एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो वाटर को स्प्लिट कर रहा है ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो कैसे करता है वो स्प्लिट, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा देखो, ये रहा वाटर, ठीक है, ये वाटर है, और वाटर को एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, इस वाटर को स्प्लिट कर दिया फोर प्रोटॉन्स में, ऑक्सीजन में और फोर इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपके फोटोसिस्टम के पास, ठीक है, फोटोसिस्टम सेकंड के पास जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट कर लेता है कौन, फोटोसिस्टम
सेकंड, ठीक है, अभी उस पे आएंगे कि फोटोसिस्टम सेकंड जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी इस प्रोसेस को समझो, ठीक है। देखो क्या होता है कि एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कहानी बन जाए, ठीक है। क्या होता है कि H2O को वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने स्प्लिट किया, ठीक है, और आपको मिले 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से आपके ऑक्सीजन और 4 प्रोटॉन्स रिलीज हो गए, ठीक है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ये आपका ले लेता है फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है, फोटोसिस्टम सेकंड। और फोटोसिस्टम सेकंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये आपका हो जाता है एक्साइट हो गया, ठीक है। फिर ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है फोटोसिस्टम फर्स्ट को, ठीक है, और ये फोटोसिस्टम फर्स्ट फिर एक्साइट हो जाता है, ठीक है, और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है फाइनली FnR को, ठीक है। इसको करता है FnR को, फेरेडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज बोलते हैं इसको, नोट कर लेना, ठीक है। जब इसको फाइनली ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपका बनता है NADPH, बनता है NADPH। तो हम इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे अभी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसी जगह को, उस जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मैं उसको अच्छे से एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, कि जब रिएक्शन सेंटर पे लाइट पड़ती है तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर को स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा, फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा। अब क्या होता है, समझना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, इनके बीच में एक मीडिएटर होता है, कौन होता है, मीडिएटर, जिसको आप बोलते हो YZ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या होता है, ये सबसे पहले YZ कॉम्प्लेक्स इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और फिर ये ट्रांसफ़र करता है फोटोसिस्टम सेकंड को। तो समझने वाली बात यहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। आ जाओ यहाँ पे, देखो ये स्प्लिट हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है आपका YZ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, YZ कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, उसके आप कुछ असेंशियल को फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो असेंशियल को फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके मैगनीज, क्लोराइड आयंस और कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये तीनों आपके होते हैं असेंशियल कोफैक्टर्स ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो मैग्नीज होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, ठीक है, +5, मतलब वो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है, यही उसकी खासियत होती है, और यही खासियत यहाँ पे काम आती है, अभी बताऊँगा। तो मैग्नीज 5 हैज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर इट कैन एक्सेप्ट ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उनको मैग्नीज क्या करता है, एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है चारों इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीज एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, है ना, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसने क्या किया, चारों इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब रिलीज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे +5 था स्टेट, लेकिन जब इसने चारों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे,
है ना, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इस पे कायदे से माइनस फोर आना चाहिए, है ना। तो प्लस फाइव और माइनस फोर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसने चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करता है, ये एक्सेप्ट एक साथ कर लेता है लेकिन वाई जेड कॉम्प्लेक्स को एक एक करके देता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सीक्वेंशियल मैनर में वाई जेड कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, गुड। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट्स ऑल फोर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मैग्नीज। मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज एक्सेप्ट्स ऑल फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ट्रांसफर इट टू वाई जेड कॉम्प्लेक्स इन ए सिक्वेंशियल मैनर। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ और आप भी ध्यान से समझना प्लीज़, ठीक है। देखो इसने चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसका पहले चार्ज था प्लस फाइव और चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक्सेप्ट किया तो माइनस फोर हो गया, प्लस फाइव माइनस फोर आ गया प्लस वन, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया वाई जेड कॉम्प्लेक्स को, है ना। तो आपको पता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है ना। तो जब इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ पे प्लस वन ऐड हो गया, प्लस वन आ जाएगा ना चार्ज, तो प्लस वन प्लस से प्लस वन से प्लस टू हो गया। फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, और तीन इलेक्ट्रॉन और बचे, ठीक है। फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे प्लस वन और ऐड हो गया, प्लस थ्री बन गया। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, दो बचे, मतलब एक यहाँ दे दिया एक यहाँ दे दिया, अब दो बचे हैं। फिर एक यहाँ पे दे दिया तो इस पर आ गया कितना, प्लस थ्री चार्ज, ठीक है। फिर एक आगे इसने एक और दे दिया फिर, तो इस पर कितना आ गया, प्लस फोर चार्ज। तो एक एक करके इसने वाई जेड कॉम्प्लेक्स को सारे इलेक्ट्रॉन्स थमा दिए, पकड़ा दिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब वाई जेड कॉम्प्लेक्स के पास चारों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, समझ में आ रही बात, वाई जेड कॉम्प्लेक्स के पास चारों इलेक्ट्रॉन आ गए। और फिर इसने क्या किया, वो चारों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दिए फोटो सिस्टम सेकेंड को, ठीक है। वाई जेड कॉम्प्लेक्स एक्ट एज एन अडोप्टर प्रोटीन, तो वाई जेड कॉम्प्लेक्स क्या है, एक अडोप्टर प्रोटीन है, अडोप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैग्नीज एंड ट्रांसफर टू द फोटो सिस्टम सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ, जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है इसको आप ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, बोलते हो, इसलिए इसको OEC बोलते हैं, कॉपी में नोट कर लेना, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ से इवॉल्व क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ना। अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स फाइनली पहुँच गए आपके फोटो सिस्टम सेकेंड के पास, तो यहाँ से कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूँ, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस आपके साथ कर रहा था, है ना। वो क्या था कि हमें ये पता, कभी हमने कभी ध्यान से ये नहीं पढ़ा कि CO2 कब एक्सेप्ट किया प्लांट ने, कौन से स्टेज पे, H2O कब एक्सेप्ट किया, कौन से स्टेप पे, कब कौन से स्टेप पे ऑक्सीजन रिलीज़ किया और कौन से स्टेप पे ग्लूकोज रिलीज किया। तो जल्दी से आपको बता दूं आगे चलने से पहले, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका सन, ठीक है, ये आपका सन है, यहाँ से आई आपकी लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई आपकी केमिकल एनर्जी में, ठीक है, और किसके हेल्प से, लाइट रिएक्शन के हेल्प से, है ना, लाइट रिएक्शन की हेल्प से हुई। तो आपको मैंने अभी बताया कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, है ना, और लाइट रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, पिगमेंट्स,
रिएक्शन सेंटर, फोटोसिस्टम, और फोटोसिस्टम में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर यहीं पे आपका लाइट रिएक्शन में ही यूज़ हो जाता है, लाइट रिएक्शन में आपका वाटर यूज़ हो रहा है ये वाला, ठीक है, और यहीं पे आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, जो होता है आपका एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है, और ये आपके एंटर करते हैं किसमें, केल्विन साइकिल में, ठीक है, या सी3 साइकिल बोल सकते हो, है ना। और यहाँ पे आपका यूज़ होता है CO2 और रिलीज़ होता है ग्लूकोज। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका डार्क रिएक्शन। अब जरा आप एक बार कंपेयर कर लो, कहाँ पे क्या एक्सेप्ट हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। H2O आपका कहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, लाइट रिएक्शन में, है ना, एक्सेप्टेड, ठीक है। और ऑक्सीजन आपका रिलीज्ड इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। और CO2 आपका कहाँ पे एक्सेप्ट हुआ भाई, एक्सेप्टेड इन डार्क रिएक्शन, और ग्लूकोज रिलीज्ड इन डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे, जब हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फोटोसिस्टम सेकंड से होते हुए ट्रैवल करते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और फिर उस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया आपको, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वाटर के स्प्लिटिंग के बाद, वो कहाँ एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, समझ में आया तक। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होते हुए FNR तक, जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर NADP पॉजिटिव से NADPH आपका बन जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, है ना, पूरा आपको कनेक्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। H2O की स्प्लिटिंग हुई, रिलीज़ हुआ ऑक्सीजन और 4 प्रोटॉन्स, और यहाँ से रिलीज़ हुए आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पे एंटर कर गए, YZ कॉम्प्लेक्स में। YZ कॉम्प्लेक्स क्या था, एडाप्टर प्रोटीन था, उसने वाटर से 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, एक साथ एक्सेप्ट करके, ठीक है, किसको दे दिए, P680 को, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एज ए एडाप्टर प्रोटीन काम कर रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे P680 के पास इलेक्ट्रॉन्स आपके सारे के सारे पहुँच जाते हैं, तो ये क्या होता है, आपका एक्साइट हो जाएगा, है ना। एक्साइट होने के बाद ये चला जाता है आपका एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका है एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो ये अभी हम आगे चल रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपके थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, है ना, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपकी, ये जो आप प्रोटीन्स दिख रहे हो, ठीक है, PQA PQB प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जो भी मॉलिक्यूल्स आपके रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में, वो सब कहाँ लोकेटेड होते हैं, सबका अभी आपको लोकेशन एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये सारा आपका हो रहा है थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये पहले था आपका ग्राउंड स्टेट में, और जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक्साइटेड हो गया, है ना, और ये आपका पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र करेगा, और पहुंचाएगा कहाँ तक, P700 तक, है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र किया फियोफाइटिन को, PHEO, दिस इज़ फियोफाइटिन। मैंने सबकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे साइड में लिख दी है, ठीक है, अभी इस पे भी आएंगे। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र कर दिया किसको, फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन ने
आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए किसको, प्लास्टोक्विनोन को। ये आपके तीनों क्या है, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, प्लास्टोक्विनोन। इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ से कुछ भी आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, जब कभी डिटेल में डिस्कस करने का अगर टाइम आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जो एक्सेप्ट करते हैं किससे, फियोफाइटिन से, और आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको, FESR को। FESR क्या है आपका, FESR है रिस्क आयरन सल्फर प्रोटीन, रिस्क आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। ये एक आपका एक प्रोटीन होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है प्लास्टोक्विनोन से और आगे ट्रांसफ़र करता है किसको, साइटोक्रोम B6F को, ठीक है। साइटोक्रोम B6F क्या है आपका, दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स, ओके, एंड विच इज़ कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम B6F प्लस आयरन सल्फर प्लस साइटोक्रोम F। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सी, साइटोक्रोम B6F प्लस आयरन सल्फर एंड लास्ट इज साइटोक्रोम F। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, अब ये आगे ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। और फिर प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, P700 को, मतलब फोटोसिस्टम फर्स्ट को। ये है आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, तो ये आप याद रखेंगे। और ये था आपका फोटोसिस्टम सेकंड। तो पहले कौन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम सेकंड, और बाद में कौन करता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोटोसिस्टम फर्स्ट ने जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने से पहले ये क्या था, ग्राउंड स्टेट में था। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये एक्साइटेड स्टेट में ये भी चला गया, ठीक है। और फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, है ना। और फिर आगे किस किस को इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो सबसे पहले किसको पास करता है, ए नॉट को, है ना। ए नॉट जो होता है वो होता है आपका स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और दिस इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम वन, है ना। ये सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फोटोसिस्टम वन से, मतलब P700 से। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम द फोटोसिस्टम फर्स्ट, तो आप क्या टिक करेंगे, ए नॉट, ठीक है। ए नॉट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है P700 से और ट्रांसफ़र करता है किसको, A1 को, ठीक है। A1 क्या है आपका, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ये वाइटामिन ए होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखनी है। मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि प्लांट फिजियोलॉजी आपका पूरा मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसको आपको याद भी रखना है, मेमराइज भी करना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है FESX को, फिर FESX करता है FESA को, फिर FESA करता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किसको, FESB को, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, दीज थ्री आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेपरेट आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ठीक है। ये तीनों सेपरेट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, याद रखना, एक साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, अलग अलग तीन प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन में होते हैं। किसके मेम्ब्रेन में होते हैं, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में है, समझ में आ रहा है। अभी मैं बताऊँगा, अभी आप यही समझ के चलो कि ये सब थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन के आसपास ही लोकेटेड है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि कौन सा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, कौन सा अंदर होता है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझो कि ये मेम्ब्रेन में ही हो रहा है सब कुछ प्रोसेस, ठीक है। तो दीज थ्री आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेपरेट आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ठीक है। अब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन फिर किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, FD को। FD क्या है, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। और फेरिडॉक्सिन ने सबसे लास्ट में फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसपोर्ट किया, FNR को। सो दिस इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जैसे ही ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये क्या करता है आपका, NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देता है किस में, NADPH में, है ना। NADPH यहाँ पर आपका बन जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हर स्टेप पे एक चीज़ कॉमन हो रही है, वो चीज़ क्या हो रही है, वो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन,
ठीक है, मतलब हर एक स्टेप पे एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, फिर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया था ना मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ठीक है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है ना, P6At जब इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर, मतलब ये क्या हुआ आपका, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये इसका एनर्जी बहुत हाई है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में, है ना, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वाईजेड कॉम्प्लेक्स से, अभी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए अनस्टेबल है, ठीक है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में है। और जो भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है वो ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता और वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन आगे के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो वापस स्टेबल हो सके। तो अब देखो, ये पहले था आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ये हो गया ऑक्सीडाइज, है ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब ऑक्सीडाइज हो चुका है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र करेगा और ये हो जाएगा फिर से रिड्यूस, ठीक है। फिर अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, फिर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र कर देगा तो ये हो जाएगा रिड्यूस। वैसे ही सारे के सारे स्टेप पे ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये चलता रहता है, ये एक साइकिल है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें किस टाइप का आपका रिएक्शन होता है, तो याद रखेंगे आपका होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस चीज़ को याद रखना, कॉपी में नोट कर लो, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इनके फुल फॉर्म्स आप कॉपी में नोट कर लेना, जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं। FNR को आप बोलते हो फेरिडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, ठीक है। अब ध्यान से देखो थोड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है ये होता है आपका थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ी और जानकारी कलेक्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि जब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आते हैं कि कहाँ पे क्या लोकेटेड होता है और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन तो होती है आपकी थायलाकॉइड, ये थायलाकॉइड एक की अगर बात करें तो थायलाकॉइड है ना, तो थायलाकॉइड में होता है लाइट रिएक्शन, कहाँ पे, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है ना, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, यहाँ पे हो रहा है आपका लाइट रिएक्शन, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको मान लो आप, यहाँ पे मान लो अभी हम एक थायलाकॉइड की बात कर रहे हैं, ये मान लो ये थायलाकॉइड है और ये आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ये है आपके थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये है आपकी थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये होता है आपका स्ट्रोमा, है ना, जो क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड है, एक्वस फ्लूइड है, ठीक है, मैट्रिक्स है, उसको स्ट्रोमा बोलते हो। और ये जो थायलाकॉइड है, ये इसका जो है वो है ल्यूमिन, अंदर का थायलाकॉइड के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं थायलाकॉइड ल्यूमिन, ठीक है। और ये जो बाहर, मतलब ये जो है वो है आपका मेम्ब्रेन, ठीक, इस चीज़ को आप समझ जाइए, उसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखनी, स्ट्रोमा, ल्यूमिन और मेम्ब्रेन, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जो लाइट रिएक्शन हो रही है, वो जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मेम्ब्रेन में हो रहा है ना, मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये समझ जाइए कि ये जो आपका है पूरा है मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आपका मेम्ब्रेन, ठीक। और मान लीजिए अभी इस वाले डायग्राम को भूल जाइए और मान लीजिए पूरा बोर्ड जो है, ये पूरा बोर्ड है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पूरा बोर्ड है क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेम्ब्रेन, मतलब थायलाकॉइड, ये पूरा आपका थायलाकॉइड है,
ठीक है, यहाँ से आपका थायलाकॉइड स्टार्ट होता है, ये है आपकी थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि थायलाकॉइड के अंदर का पार्ट जो होता है वो होता है आपका ल्यूमेन, और थायलाकॉइड के बाहर का पार्ट जो होता है वो होता है आपका स्ट्रोमा, पूरा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका थायलाकॉइड होता है ना। तो ये थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, थायलाकॉइड के अंदर का पार्ट ल्यूमेन हो गया, और थायलाकॉइड के बाहर का पार्ट स्ट्रोमा हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? गुड, अब इसके आगे चलते हैं। तो क्या होता है, देखो ध्यान से, कि आपके थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है फोटोसिस्टम सेकंड सिचुएटेड लोकेटेड, ठीक है, और ये जो आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये होता है आपके थायलाकॉइड ल्यूमेन के साइड। ठीक है, कौन सी चीज़ स्ट्रोमा के साइड होती है और कौन सी चीज़ ल्यूमेन के साइड होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अगर हमें बाद में देखने का पता चलता है कि ये तो बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन हमने क्यों नहीं याद किया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको बहुत सब कुछ अच्छे से याद करके जाना है कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है आपका ल्यूमेन के साइड, ये है आपका ल्यूमेन, और फोटोसिस्टम सेकंड लोकेटेड होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है, और ये स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही है, हर एक चीज़ आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए क्यों क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ये स्प्लिटिंग हो रही है आपकी थायलाकॉइड के ल्यूमेन में। क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे टेक प्लेस करती है, ल्यूमेन में। ठीक है, तो वाटर की स्प्लिटिंग हुई थायलाकॉइड के ल्यूमेन में, ऑक्सीजन आपका रिलीज हो गया थायलाकॉइड के ल्यूमेन में ही। ठीक है, ऑक्सीजन आपका रिलीज हुआ थायलाकॉइड के ल्यूमेन में, और प्रोटॉन्स रिलीज हुए थायलाकॉइड के ल्यूमेन में। अब इन ऑक्सीजन का क्या होगा और इन भाई साहब प्रोटॉन्स का क्या होगा, मैंने आपको ऑक्सीजन का तो बताया था कि ऑक्सीजन फाइनली प्लांट क्या करता है, रिलीज कर देता है, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स का क्या होगा अभी उस पे आएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको और क्या बताया था कि ये रिलीज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज करता है वो किसके पास चले जाते हैं, वो चले जाते हैं फोटोसिस्टम सेकंड के पास। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे किस किस से होते हुए इलेक्ट्रॉन जाता है। तो फोटोसिस्टम सेकंड क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फाइलोक्यूनोन को, है ना, प्लास्टोक्यूनोन को करता है, है ना। फोटोसिस्टम सेकंड ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, प्लास्टोक्यूनोन को। प्लास्टोक्यूनोन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, है ना, जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया PQH2 हो गया, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, और फिर ये क्या करता है, आगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है किसको, साइटोक्रोम बी सिक्स एफ को कर दिया। ठीक है, ये बीच में आता है, मतलब दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइटोक्रोम B6F, FESR जो होता है वो इसका ही पार्ट होता है, साइटोक्रोम B6F का ही पार्ट होता है। यहाँ पे देखो FES इज द पार्ट ऑफ साइटोक्रोम B6F, बट ये क्या करता है आपका, ये प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके साइटोक्रोम B6 तक पहुँचाता है। ठीक है, लेकिन ये इसी का पार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट किया फोटोसिस्टम सेकंड से, ओके, और आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया साइटोक्रोम B6F को, और यहाँ पे इस स्टेप पे इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है। अभी ये क्या था, रिड्यूस फॉर्म में था, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया, फिर जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम B6F को दे दिया तो ये वापस रिड्यूस फॉर्म में चला गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो उसी स्टेप पे आपके 2 प्रोटॉन्स, इस चीज़ को याद रखना, 2 प्रोटॉन्स आपके स्ट्रोमा से ल्यूमिन में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, इस स्टेप पे जब ऑक्सीडेशन होता है आपका प्लास्टोक्यूनोन का, तो 2 प्रोटॉन्स आपके पंप होते हैं फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमिन, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आगे साइटोक्रोम B6F तक पहुँच चुके हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसपोर्ट किया था, प्लास्टोसाइनिन को, है ना। प्लास्टोसाइनिन कहाँ पे लोकेटेड होता है, प्लास्टोसाइनिन भी आपका लोकेटेड होता है इनसाइड ऑफ द ल्यूमिन, है ना, ल्यूमिन के साइड होता है ये, लेकिन अटैच्ड होता है किससे, थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन से, लेकिन होता है किधर, ल्यूमिन के अंदर।
ठीक है, ल्यूमिन साइड पे होता है। तो इसने क्या किया, साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन्स को लिया और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया किसको, फोटोसिस्टम फर्स्ट को, फोटोसिस्टम 700 को, P700 को। यहाँ तक बात समझ में आई है ना। इसके आगे देखो ध्यान से कि अब फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन आया, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास P700 के पास इलेक्ट्रॉन आया, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये ट्रांसपोर्ट किसको करेगा, A0 को, A1 को, FESX को, ठीक है, और FESA को, FSB को, FD को और फाइनली FNR को। तो ये क्या करता है, फाइनली किसको करता है, FD FNR को। इसके बीच में ये सारी चीज़ें आती है, वो यहाँ पे मैंने नहीं आपको दिखाई है, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, बट इसके बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको याद रखना है। तो अब आते हैं FD FNR पे, ये आपका लोकेटेड होता है कहाँ पे, स्ट्रोमा की साइड, ठीक है, लेकिन अटैच्ड होता है आपका किससे, थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन से, और FD होता है आपका अटैच्ड थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन से, FNR होता है FD से अटैच्ड। ये कॉम्पोजिशन भी आप याद रखेंगे और लोकेशन भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो FD FNR ने जब फाइनली FD ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसने FNR को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया, और आपको पता है कि FNR था आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे ही इसने आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसने तब क्या हो गया, आपका कन्वर्जन किस चीज़ का कन्वर्जन हो गया, NADP पॉजिटिव से आपका NADPH में कन्वर्जन हो गया, है ना, NADP पॉजिटिव से आपका कन्वर्ट हो गया NADPH में। तो NADP पॉजिटिव जो था वो था आपका क्या, रिड्यूस्ड फॉर्म में, है ना, और जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका NADP पॉजिटिव से NADPH कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है चीज़, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका क्या होता है, हाँ, इसमें आप देख रहे हो कि H पॉजिटिव, H ऐड हो गया, NADP पॉजिटिव में H ऐड हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म वाले लेक्चर में कि जो NADH FADH2 ये सब होते हैं रिड्यूस्ड एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स, है ना, तो रिड्यूस्ड एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स, है ना, तो ये क्या है आपका रिड्यूस्ड एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल। अब इसके पास एनर्जी है, ठीक है, जो कि अब आगे जाके किस में, डार्क रिएक्शन में काम आएगी। तो ये आपका प्रोडक्ट किसका हो गया, एक तरीके से लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। मतलब अब आपको पता है कि NADPH कैसे बनता है, NADPH आपका बन चुका है, ठीक है। अब चलते हैं कि आपका ATP कैसे बनता है इसमें। मैंने बताया था ना लाइट रिएक्शन के आपके दो प्रोडक्ट्स होते हैं, ATP और NADPH। तो अब NADPH का तो आपको पता चल गया, अब ATP कैसे बनता है तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि दो प्रोटॉन्स पंप होते हैं जब प्लास्टोक्यूरोन का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वो पंप कहाँ से कहाँ होता है, स्ट्रोमा से ल्यूमिन में। मतलब इधर क्या है आपके प्रोटॉन्स बन गए, बहुत सारे प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूस साइकिल चल रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, कंटिन्यूटी बरकरार है, तो पंप्स होते रहेंगे प्रोटॉन्स ये बाहर से अंदर, मतलब स्ट्रोमा से ल्यूमिन। दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पे भी आप देखो कि जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी तो 4 प्रोटॉन्स आपके रिलीज हो रहे थे, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपके प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं कहाँ पे, ल्यूमिन में, थायलाकॉइड के ल्यूमिन में, है ना। और आपको पता है कि जिस तरफ प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं तो क्या होगा, इस तरफ तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाएंगे, एच पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे, और आपका ल्यूमिन में एच पॉजिटिव आयन्स एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ये चीज़ आपको पता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। मतलब जो ल्यूमिन की साइड है उधर आपके हाई प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, और जो आपका स्ट्रोमा है उधर आपके लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप जब हो जाता है तो क्या होता है कि वापस ये सारे प्रोटॉन्स बाहर पंप कर दिए जाते हैं स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है। देखो स्ट्रोमा की तरफ ये वापस पंप कर दिए गए, किसके थ्रू, आपको बताया था मेटाबॉलिज्म वाले लेक्चर में, ATP सिंथेस के थ्रू। ATP सिंथेस क्या करता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है तो ये सारे प्रोटॉन्स को बाहर पंप करने लग जाता है, ठीक है, और उसी दौरान वो क्या करता है आपका ADP से ATP में
कन्वर्ट कर देता है, तो आपका एटीपी बनाने लग जाता है ये। तो समझ रहे हो, तो इसको क्या बोलते हो आप, फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रहा है, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, समझ में आया। ग्लाइकोलिसिस जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वहाँ पे जो एटीपी सिंथेसिस हो रही थी वहाँ पे लाइट इन्वॉल्व नहीं थी, वहाँ पे एक सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा था और रिलीज़ हो रहा था एटीपी, है ना। तो किसकी वजह से हो रहा था, सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्जन की वजह से एटीपी सिंथेसिस होती, इसलिए वहाँ पे बोलते थे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे जो एटीपी सिंथेसिस हो रही है वो हो रही है आपके लाइट की वजह से, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इस तरीके से आपकी एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से दो तीन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो आपका, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये आपका किस टाइप का बना रहा है, स्ट्रक्चर जेड टाइप का बना रहा है, मतलब जेड टाइप का बना रहा है ना, तो इसको आप जेड स्कीम भी बोल सकते हो। ठीक है, जेड स्कीम। ठीक है, इसके कौन कौन से नाम होते हैं, इसका नाम है जेड स्कीम। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है आपका नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको आप एक चीज़ और बोल सकते हो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको याद रखना है कि इसको क्या क्या बोला जाता है, एक तो जेड स्कीम बोला जाता है, दूसरा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है, और तीसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ये सब क्यों बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया, जेड स्कीम क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, दूसरा बोला जाता है इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्योंकि ये एक तरीके से नॉन साइक्लिक है ना, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इस पे। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक है, अभी मैं आगे साइक्लिक बताऊंगा तो आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या सिंथेसाइज हो रही है, आपकी एटीपी सिंथेसाइज हो रही है, नॉन इसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल चीज़ आपको बता दूँ, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, जब प्लास्टोक्विनोन का ऑक्सीडेशन होता है तो दो प्रोटॉन्स आपके पंप कर दिए जाते हैं, कहाँ से, स्ट्रोमा से ल्यूमिन में, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपका सब कुछ अच्छे से कनेक्ट हो जाए, सॉरी दो प्रोटॉन्स, मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, दो प्रोटॉन्स आपके स्ट्रोमा से ल्यूमिन में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपके थे स्ट्रोमा में पहले और अब पहुंच गए ल्यूमेन में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, है ना, क्लियर हो गया, गुड। अब देखो क्या होता है कि ये तो हो गया आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि प्लांट्स में जो होता है ना, वो हमेशा यही वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सब सारे पाथवेज जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन पे काम करते हैं, है ना। फीडबैक इनहिबिशन मैंने आपको समझा रखा है मेटाबॉलिज्म में, तो उसको अच्छे से जाके पढ़ लीजिए। आपको मेटाबॉलिज्म का पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने बायोकेमिस्ट्री में कवर किया है, वो सब चीज़ों का बेस है, तो उसको मत छोड़िए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, तो आपको वो देखने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो क्या होता है कि ये तो हो गया आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन हमेशा ये पाथवे ही प्लांट्स में नहीं चलता, प्लांट स्विच कर लेता है कभी कभी किससे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में। और वो कब होता है, वो तब होता है जब आपका प्लांट सेल में मतलब क्या होता है, NADPH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। प्लांट सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या कि आपका रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है, है ना। ये आपका क्या होता है, ये होता है NADPH, क्या होता है आपका, रिड्यूस्ड एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल।
जब बहुत सारे रिड्यूस्ड एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स आपके प्लांट सेल में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, तो आपका क्या होगा, एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, प्लांट सेल का रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो जब इस टाइप का एनवायरनमेंट प्लांट सेल के अंदर बन जाता है, फॉर्म हो जाता है ना, तो इससे क्या पता चलता है कि प्लांट सेल के पास बहुत सारे NADPH मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो क्या होता है कि प्लांट्स क्या करता है, स्विच कर देता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से किस पे, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, किस पे कर देता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और कैसे स्विच करता है, कैसे स्विच करता है, सिंपल है, कुछ नहीं, आपको बस एक पाथवे याद रखना है, दूसरा पाथवे आपको अपने आप याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इसी में आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, साइक्लिक में सिर्फ आपका एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और वो होता है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपके फेरेडॉक्सिन तक पहुंचते हैं, ध्यान रखना, फेरेडॉक्सिन तक आपके जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, तो साइक्लिक में जब ये स्विच करता है, नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में स्विच करता है, तो क्या होता है, फेरेडॉक्सिन से जब आपके FNR तक, साइक्लिक में क्या होता है कि FD तक पहुंच के इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जाते, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पहुंच जाते हैं कहाँ, वापस कहाँ, प्लास्टोक्विनोन पे, ठीक है, वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके प्लास्टोक्विनोन पे, समझ में आ रही है चीज़, प्लास्टोक्विनोन पे। अब क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन से आपका जाएगा FESR, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर जाएगा P700, फिर P700 से कहाँ जाएगा आपका एक्साइटेड, मतलब इसने एक बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो एक्साइटेड हो गया, फिर इसने क्या किया, A0 को ट्रांसफ़र किया, A1 को किया, FESX को किया, FESA को किया, FESB को किया, और फिर FD को किया, फिर FD ने दोबारा इसको कर दिया प्लास्टोक्विनोन को, फिर ये साइकिल क्या होती है, ऐसे चलती रहती है, ऐसे साइकिल आपकी चलती रहती है। तो अब देखो ये किस टाइप का हो गया, एक साइकिल बन गई इसमें, है ना, एक साइकिल बन गई, मतलब एक ही पाथवे में ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफरेंट होता है किससे, नॉन साइक्लिक से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं होते। कौन कौन से प्रोसेस नहीं होते जो कि नॉन साइक्लिक वाले में होते हैं, अब देखो यहाँ पे ध्यान से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें आप जब आप थोड़ा नोटिस करोगे तो क्या होगा कि इसमें आपका फोटो सिस्टम सेकेंड तो इन्वॉल्व है ही नहीं, है ना, और आपका ये वाला प्रोसेस भी एक्सक्लूड हो गया है ना, मतलब FNR तक तो आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा। तो क्या होता है कि आपके साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता, लिख लो, NADPH का फॉर्मेशन आपका नहीं होता किसमें, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। दूसरी चीज़ क्या नहीं होती आपके, दूसरी चीज़ क्या नहीं होती आपका साइक्लिक वाले में, क्या नहीं आ रहा, ये पूरा पार्ट एक्सक्लूड हो गया, मतलब फोटो सिस्टम वाला पूरा पार्ट ही निकल गया, है ना। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में आपका क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा था, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स उसके साथ अटैच था, है ना। तो जब ये वाला फोटो सिस्टम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी नहीं होगा, है ना। तो ये भी लिख लो जल्दी से कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता, ठीक है, समझ में आई चीज़, दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पता चली अभी, ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, फेरेडॉक्सिन से आपके प्लास्टोक्विनोन पे, ठीक है, और फिर ये साइकिल कंटिन्यूस हो जाती है, ठीक। और क्या होता है, अब चौथी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका NADPH तो बनता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी क्या बनती है, ATP, सिर्फ आपकी ATP बनेगी, मतलब NADPH नहीं बनेगा आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ओनली ATP विल बी फॉर्म्ड इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो मानते हैं हम कि चलो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा तो प्रोटॉन्स रिलीज नहीं होंगे, ये वाले 4 प्रोटॉन्स जो है, चलो मान लो कि ये वाले 4 प्रोटॉन्स रिलीज नहीं होंगे, तो ये वाले 4 प्रोटॉन्स जब रिलीज नहीं होंगे तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे डेवलप होगा, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो फिर बाहर कैसे इंपोर्ट करेगा, मतलब एक्सपोर्ट करेगा ATP सिंथेस, है ना। तो ATP कैसे बनेगी,
एटीपी इसलिए बनती है क्योंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आपको पता है कि जो छोटा पाथवे होता है वो जल्दी चलेगा ना, है ना, और जो बड़ा पाथवे है वो लेट से मतलब थोड़ा टाइम लेता है। तो जब नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पे प्लांट शिफ्ट करता है तो वो साइक्लिक को क्या करता है, जल्दी जल्दी चलाने लगता है। और ये साइक्लिक तब बनता है, मतलब साइक्लिक पाथवे जब एक्टिवेट होता है जब प्लांट में एनर्जी की कमी हो जाती है, एटीपी की कमी हो जाती है ना, और वहाँ पे उसको क्या ज़रूरत है, जल्दी जल्दी एटीपी सिंथेसिस करवाने की, ठीक है। उस टाइम पे आपका साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि फेरोडॉक्सिन से आपका प्लास्टोक्विनोन तक तो इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, तो इसका मतलब प्लास्टोक्विनोन तो आपका ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता रहेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहेगा प्लास्टोक्विनोन कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी। तो क्या होगा, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसका कंटिन्यूसली, तो क्या हो रहा है, दो प्रोटॉन्स तो पंप होते रहेंगे ना आपके स्ट्रोमा से ल्यूमिन में, है ना, ये जल्दी जल्दी होते रहेंगे, प्रोटॉन्स पंप होते रहेंगे फटाफट आपके यहाँ पे, दो प्रोटॉन्स करके बहुत सारे प्रोटॉन्स आपके एक्यूमुलेट होते रहेंगे कहाँ पे, थायलाकॉइड के ल्यूमेन में। और इसकी वजह से क्या होगा, आपका सिर्फ एटीपी सिंथेसाइज होगा, क्यों, क्योंकि दो प्रोटॉन्स भी अगर जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट होने लगे तो उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है साइक्लिक के केस में भी, ठीक है, और जल्दी डेवलप होता है क्योंकि ये साइकिल तेज चलती है एज कम्पेयर टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फिर क्या करता है, सिर्फ आपका एटीपी बनता है, बस एनएडीपीएच के पाथवे को ये भूल जाता है उस टाइम पे, जब एक पाथवे इसको चलाना है, एक ही फोटोसिस्टम को कंट्रोल करना है तो जल्दी जल्दी चलाएगा, तो उसी में क्या होता है कि जल्दी जल्दी ये प्रोटॉन्स बाहर पंप करता है एटीपी सिंथेस, और क्या करता है, एडीपी से एटीपी बना देता है। तो याद रखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी सिंथेसिस होती है, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, एनएडीपीएच का भी फॉर्मेशन होता है और एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अगर कभी बाय चांस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ बॉक्स, तो उसकी गारंटी तो कोई नहीं लेता, ठीक है, बट मेजर क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या होता है, दो चार पॉइंट्स मैं आपको बोलता हूँ, आप फटाफट उसको नोट डाउन कर लेना। क्या है, एक तो ये है कि ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बट एनएडीपीएच इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ये मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट्स, है ना, एंड दिस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कपल्ड विद द प्रोटोन पंपिंग फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, ल्यूमेन, एंड जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इन द ल्यूमिनल साइट, दैट्स वाई एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, दैट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो वाटर इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता साइक्लिक में, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एंड एनएडीपी पॉजिटिव इज नॉट रिड्यूस्ड, ठीक है, इसका भी रिडक्शन नहीं होता, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज एक्टिवेटेड इफ रिड्यूसिंग एनवायरमेंट ऑफ द सेल इज हाई, समझ में आ गया चीज़। तो ये था आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, है ना। इसके बाद हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं लास्ट चीज़ आज के वीडियो की, कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ये तो आपको पता चल गया कि थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होती है, लेकिन जो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो क्या है वहीं पर बताता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है ना कि थायलाकॉइड का अरेंजमेंट कैसा होता है, इस टाइप का होता है, है ना, एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के रीजन्स होते हैं आपके थायलाकॉइड में, ठीक है, एक तो वो रीजन जो जिनको आप बोलते हो स्टैक्ड रीजन, और दूसरे होते हैं अनस्टैक्ड रीजन। तो ये अनस्टैक्ड और स्टैक्ड रीजन कैसे होते हैं, ये जो देख रहे हो ये रीजन, ये वाला रीजन जो है वो जो दो थायलाकॉइड्स के बीच में आ रहा है, वो जो बीच में आ रहा है, ठीक है, उसको बोलोगे आप स्टैक्ड रीजन, ठीक है। इस वाले रीजन को आप क्या बोलोगे, स्टैक्ड रीजन, ठीक है। और वो वाला रीजन जो बीच में नहीं आ रहा, जो साइड में बाहर की तरफ है, ये वाले रीजन्स, ठीक है, ये वाले रीजन्स जो बाहर की तरफ है, एक्सपोज्ड है, उनको आप बोलोगे अनस्टैक्ड रीजन्स, ठीक है।
तो स्टैक्ड रीजन का दूसरा नाम है अप्रेस्ड रीजन और अनस्टैक्ड रीजन का नाम है नॉन अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको इतनी सारी प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स बताए जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से कौन से स्टैक्ड रीजन में होते हैं और कौन से अनस्टैक्ड रीजन में होते हैं और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जल्दी से हम फटाफट वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो कहाँ पे होता है आपका, लोकेटेड एक्सक्लूसिवली, याद रखना इस वर्ड को, एक्सक्लूसिवली लोकेटेड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लो लोकेटेड एक्सक्लूसिवली इन अप्रेस्ड रीजन ऑफ थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, देखो फोटो सिस्टम सेकेंड ये सिर्फ आपका अप्रेस्ड रीजन में, मतलब स्टैक्ड रीजन में, बीच में आपका प्रेजेंट होता है, दो थायलाकॉइड्स के बीच में हमेशा, ठीक है, स्टैक्ड रीजन में आपका फोटो सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका क्या होता है कि आपका होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, FD, FNR और ATP सिंथेज, ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, FD, FNR और ATP सिंथेज, ये आपके होते हैं लोकेटेड एक्सक्लूसिवली इन नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे ध्यान से, फोटो सिस्टम फर्स्ट, FD, FNR और ATP सिंथेज, ये सब आपके कहाँ प्रेजेंट है, नॉन अप्रेस्ड रीजन में, मतलब बाहर की तरफ, बाहर के सरफेस की तरफ प्रेजेंट है, नॉन अप्रेस्ड रीजन में आपके लोकेटेड होते हैं। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे ATP सिंथेज, फोटो सिस्टम फर्स्ट, FD, FNR, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ATP सिंथेज, तो ये सब आपके सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं अनस्टैक्ड रीजन में, मतलब नॉन अप्रेस्ड रीजन में। और तीसरा जो लास्ट होता है वो होता है आपका साइटोक्रोम B6F, तो याद रखेंगे ये जो मॉलिक्यूल होता है आपका वो आपका यूनिवर्सली लोकेटेड होता है, मतलब अप्रेस्ड में भी पाया जाता है, नॉन अप्रेस्ड में भी पाया जाता है, साइटोक्रोम B6F। देखो यहाँ पे भी है अप्रेस्ड में आपका, यहाँ पे भी है नॉन अप्रेस्ड में भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है अप्रेस्ड में भी है, नॉन अप्रेस्ड में भी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल अप्रेस्ड में मिलता है, कौन सा नॉन अप्रेस्ड में मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, पिगमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, राइट, और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे मिलता है, थायलाकॉइड में, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, कौन से रीजन में मिलता है, अनस्टैक्ड में या स्टैक्ड में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और आज लाइट रिएक्शन ओवरऑल पूरा ख़त्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन, ठीक है, तो तैयार रहिए डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ने के लिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी आ चुकी है, आपको उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और आज की वीडियो को भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको आगे के पार्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, जो भी कैसा है 2020 की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर करना, ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.